हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हाँ तो देखिए, लास्ट वीडियो जिस हिसाब से बच्चों ने देखा, मेरे को बहुत खुशी हुई। जिस तरीके का आप सपोर्ट दे रहे हैं इस चैनल को, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया बच्चों। और इसी तरीके का सपोर्ट बनाए रखें, हम और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे बच्चों। इस चैनल को अभी भी, मैं वापस यही बात कहता हूँ कि अभी भी बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है, जो अभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक हमें इसे पहुँचा देना है। जिस समय हमने इस चैनल को वहाँ तक पहुँचा दिया, मान लीजिए कि टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी और मेरी दोनों की मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ तक कम से कम इस चैनल को पहुँचा पाएँ, ताकि फिजिक्स की क्लासेस जो हैं वो आसानी से देख पाएँ। ऑल राइट, चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ठीक है, ये एक अच्छा आप कह सकते हैं कि बिंदु है, थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, प्रयोग भी बहुत सिंपल सा है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ में हम व्यतिकरण की गणितीय विवेचना करेंगे, और इसकी सहायता से हम देखेंगे कि जब दो तरंगे एक दूसरे के साथ में अध्यारोपित होती हैं और व्यतिकरण की घटना होती है जब, तब जो परिणामी तरंग बनती है उसका आयाम क्या होगा, उसकी तीव्रता क्या होगी, इन दो बिंदुओं को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो चालू करते हैं, टॉपिक लिख देता हूं मैं। सबसे पहले हम देखेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग। इसे द्विछिद्र प्रयोग भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे द्विछिद्र प्रयोग भी बोलते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ भाई, इस प्रयोग में क्या किया, देखिए उन्होंने व्यतिकरण की फ्रिंजे प्राप्त करी। अब फ्रिंज क्या होती है, एक क्वेश्चन तो हमारे पास में ये होता है, देखो जब भी कोई स्पेक्ट्रम बनता है ना बच्चों, उसमें हर एक कलर की अपनी एक चौड़ाई होती है, अपना एक खुद का जगह होता है। ठीक है, वो जो जगह है जो एक पर्टिकुलर कलर ने घेर रखी है, वो उसकी फ्रिंज हो गई है। ठीक है, अभी आपको और पता चलेगा। देखिए इस प्रयोग में है क्या वो समझिए। तो यंग ने जब ये प्रयोग किया, तो उन्होंने एक पर्दा लिया, आप पर्दे की जगह एक गत्ता लिख सकते हैं, और उस गत्ते में एक महीन छिद्र किया। महीन छिद्र कैसा, तो हम बोलते हैं सुई के समान पतला छिद्र किया है। ये छेद जो है वो बहुत ज्यादा पतला है, संकीर्ण है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। और यहां पर उन्होंने कोई प्रकाश स्रोत लगा रखा था, तो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकला वो इस द्विछिद्र से, सॉरी इस छिद्र से पास हुआ। ठीक है, इस छिद्र से जैसे ही वो प्रकाश पास हुआ, गुजरा। ठीक, अब प्रकाश कैसे है, तो हम बोलते हैं प्रकाश तरंग है भाई, इसको तरंग सिद्धांत के द्वारा ही तो समझाएंगे। ठीक, तो ये प्रकाश तरंग है, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक, अब इस तरंग में बच्चों ये वाला जो ऊपर वाला जो भाग है ना, इसे बोला जाता है शंग, और इस नीचे वाले भाग को बोलते हैं गर्त। आप सभी को पता होगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट हम बोलते हैं, है ना। तो यहां पर तरंग को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया गया है, श्रंग को प्रदर्शित किया गया है कंटिन्यूअस लाइन से, कंटिन्यूअस मतलब लगातार लाइन से। ठीक, और जब हमें गर्त को प्रदर्शित करना होगा ना निम्निष्ट को, तो ऐसा, तो तरंग में उच्चिष्ट आया, फिर निम्निष्ट आया, फिर वापस से उच्चिष्ट आएगा, और फिर वापस से निम्निष्ट आएगा। तरंग तो ऐसे ही माध्यम में आगे की ओर जाएगी ना भाई। इसी तरीके से माध्यम में आगे की ओर जाएगी। आप क्या कीजिएगा, प्रकार ले लीजिएगा, प्रकार से ये चीजें बनाइएगा तो ज्यादा सटीक बनेगा। आधा सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से काम कीजिएगा, आपका डायग्राम बहुत अच्छा बनने वाला है। ठीक है, बोर्ड पे तो ऐसा बैठ नहीं पाएगा ना। चलिए, लेकिन मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक आयताकार गत्ता लिया, या फिर एक पर्दा लिया, और उस पर्दे में उन्होंने क्या किया, एक सुई के समान पतला छिद्र किया, जो कि एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, फिर इस आयताकार गत्ते के सामने एक और अन्य
आयताकार गत्ता रखा गया और इन दोनों गत्तों के बीच की दूरी जो है वो बहुत कम है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये और ध्यान में रखें कि आप पर्दा लिख दीजिए, तो मैं इस पर्दे का नाम देखता हूँ L, इस पर्दे का नाम दे लेते हैं M। इस सम्मुख पर्दे पर या आयताकार गत्ते पर उन्होंने दो छेद किए, है ना, वापस से वैसे ही कैसे सुई के समान पतले छेद, लेकिन इसकी रेखा के अनुदिश नहीं किए। इसकी रेखा कौन सी, ऐसी, ये आप मिटा दीजिएगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस से ही बनाई है। यहाँ पे क्या है वो डिस्कस करेंगे, एक मिनट रुके। हाँ भाई, तो जो दो छेद किए वो इस छिद्र के अनुदिश नहीं किए, एक तो इससे ऊपर और एक इससे नीचे, ठीक है, जितना ये ऊपर है उतना का उतना नीचे एक छेद कर दिया, ठीक है ये बात। तो और इन दोनों छेदों के बीच की जो दूरी है बच्चों, ये दूरी स्मॉल डी है, बच्चों मैंने स्मॉल डी लिख रखा है, ध्यान रखिएगा, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी। अब यहां पे क्या हुआ, तो हमने देखा कि जो तरंग यहां से गुजरी वो फिर इस गत्ते से भी गुजरेगी, इसके दोनों छेदों S1 और S2 से भी गुजरेगी, ठीक, और ये दोनों छिद्र जो हैं वो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, किसकी भांति व्यवहार करेंगे, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, कुल मिलाकर के कोहरेंट लाइट सोर्स की तरह व्यवहार करेंगे, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे। अब इनसे क्या होगा, तरंग पास होगी वापस से वैसी की वैसी तरंग बच्चों, यू उच्चिष्ट फिर निम्निष्ट फिर उच्चिष्ट और फिर निम्निष्ट, ये कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। डायग्राम में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो थोड़ी सी तसल्ली बढ़ते, लेकिन ये कंटेंट है ना, एक उच्चिष्ट एक निम्निष्ट या फिर एक श्रृंग और एक गर्त लगातार क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। और अब आप जब आगे की ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो भैया काट रहे हैं, एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं माध्यम के अंदर, है ना, ऐसा आपको दिखाई देगा। अगर आप आधा आधा सेंटीमीटर एक परफेक्ट गैप रखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये काटने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ऐसा, ठीक, आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर देखो माध्यम में ये दोनों तरंगे जो हैं S1 और S2 से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या करें, अध्यारोपित तो हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं, और जहां वो मिक्स हो रही थी उनका पैटर्न जब हमने समझा बच्चों, उस पैटर्न के कारण एक और सामने पर्दा रखा हुआ है जो इस प्रकाश स्रोत S1 और S2 से थोड़ी ज्यादा दूरी पर है। ये L पर्दा, ये M पर्दा, तो इसे मैं N पर्दा लिख देता हूं। यहां पे M और N पर्दे के बीच की दूरी ज्यादा होनी चाहिए। इस N पर्दे पर हमें फ्रिंजे प्राप्त होंगी, हमें एक पैटर्न प्राप्त होगा। वो पैटर्न कैसा था, वो पैटर्न कुछ ऐसा था कि ये जो बिल्कुल बीचों बीच वाला भाग है ना, यही है पर्दे का बिल्कुल बीचों बीच वाला भाग, यहां पर एक दीप्त फ्रिंज मतलब एक चमक उत्पन्न होती है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है, ब्राइटनेस यहां पर बहुत ज्यादा थी, ठीक है,
तो ये जो है ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज यहां पर प्राप्त होती है, इसे बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, ठीक है। और इस केंद्रीय दीप्त के दोनों तरफ उतनी ही चौड़ाई की अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, इसे हम बोलते हैं प्रथम अदीप्त फ्रिंज, और ये भी प्रथम अदीप्त ही कहलाएगी दोनों तरफ, है ना। प्रथम अदीप्त, अदीप्त का मतलब डार्क, काला। दीप्त फ्रिंज के दोनों तरफ काली फ्रिंजें नजर आएंगी, काली फ्रिंज भी बोला जाता है, बहुत सारी किताबों में काले फ्रिंज लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वापस से इस डार्क फ्रिंज के दोनों तरफ यहां पर ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी दोनों तरफ, ठीक। और इसे कहा जाएगा प्रथम दीप्त, प्रथम दीप्त। फिर वापस से देखा तो इसके वापस से ऐसा इस तरफ है ना, आपको अदीप्त फ्रिंज दिखाई देगी, इस तरफ भी अदीप्त बनेगी, तो हम लिखेंगे इसे द्वितीय अदीप्त। पहली तो आ चुकी एक, पहली यहां पे बन रही थी, और इस तरफ भी द्वितीय अदीप्त। तो हमें क्या देखने को मिला, जब ये तरंगे माध्यम में मिक्स हुई तो जो सामने पर्दा था उस पर्दे पर कुछ चमकीली और कुछ काली फ्रिंजे बन रही हैं, और ये चमकीली और काली फ्रिंजे कौन से क्रम में बनती है, आंसर है एकांतर क्रम में बनती है। एकांतर मतलब अगर एक काली है तो उसके आगे, मतलब अगर एक काली है ये अदीप्त है तो अदीप्त के जस्ट आगे दीप्त आएगी, फिर दीप्त के जस्ट आगे अदीप्त आएगी, फिर दीप्त आएगी और फिर अदीप्त आएगी, है ना। पहले लेफ्ट राइट जैसा नहीं चलता, वैसे ही यहां पर चल रहा है, दीप्त फिर अदीप्त फिर दीप्त फिर अदीप्त, एकांतर क्रम बोलते हैं इसे, ठीक। और क्या खास बात देखने को मिली कि ये जो पर्दा है ना, इस पर्दे के बिल्कुल बीचों बीच में जो फ्रिंज थी जिसे हमने केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बोला है, ये हमेशा दीप्त ही बनती है, ये कभी डार्क नहीं बनती है। ये उन्हें हमेशा कैसे दिखाई दी बच्चों, दीप्त फ्रिंज ही दिखाई दी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। केंद्र में बनने वाली फ्रिंज क्या होती है, दीप्त होती है, क्यों होती है वो डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखिए, यहां पर जब हम इस पैटर्न को गौर करते हैं तो इसमें हमें ये देखने को मिला कि जब देखना, अब यहां पे बीचों बीच वाली बात करता हूं, एक ये डॉट 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 वाली लाइन मिक्स हो रही है यहां पर, है ना, दो डॉट 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 वाली लाइनें मिक्स हो रही हैं, एक जैसी लाइनें, मतलब गर्त गर्त के साथ में मिक्स हो रहा है यहां पर, ठीक। उसके आगे देखोगे तो यहां पे देखो ये कंटिन्यूस लाइन थी, ये भी कंटिन्यूस लाइन है, ये यहां पे आपको दिखेगा कि एक श्रृंग श्रृंग के साथ में मिक्स हो रहा है, ठीक है। इसको छेद बना देता हूं, ठीक। फिर वापस से एक डॉट लाइन दूसरे डॉट के साथ में, फिर एक कंटिन्यूस लाइन के साथ में, तो जब आप इसको आगे की ओर लेकर के जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर दीप्त बन रही है ना। जब एक गर्त दूसरे गर्त के साथ में, या एक श्रृंग दूसरे श्रृंग के साथ में क्या करता है, अध्यारोपित होता है, तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप पर्दे पर हमेशा कैसी फ्रिंज मिलेगी, दीप्त मिलेगी, ये ध्यान में रखना। फिर आगे की ओर अगर हम चलें तो फिर आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि ये देखो यहां पर इसके थोड़ा सा आगे देखना, इसके थोड़ा सा आगे आपको क्या दिखाई देगा, ये देखो एक बिल्कुल कंटिन्यूस लाइन और ये डॉट 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 वाली लाइन, आपको देखने को मिलेगा कि ये एक गर्त जो है वो किसके साथ में, श्रृंग के साथ में कर रहा है, इसको मैंने पूरा का पूरा डार्क गोला बनाया। फिर आगे चलो इस तरफ, इधर भी आपको ऐसा का ऐसा ही दिखाई देगा कि एक गर्त श्रृंग के साथ में मिक्स हो रहा है, ये भी ऐसा, तो जब हमने इनको मिलाया तो पर्दे पर हमें क्या मिला, अदीप्त फ्रिंज मिले, ठीक है। समझिए इस चीज को कि जब एक गर्त एक श्रृंग के साथ में मिक्स हो रहा था, ये वाला है ना, ये वाला, ठीक, वहां पर जब आप उन बिंदुओं को मिलाओगे तो आपको पर्दे पर कैसी फ्रिंज मिलेगी, अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। कब अदीप्त बनी वो समझिए, इस चीज को वापस से समझते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा।
उन्होंने जब इस प्रैक्टिकल को किया तो उन्हें एकांतक्रम दिखाई दिया फ्रिंज का, और ये कैसा दिखाई दिया, उन्होंने बताया, समझना अभी इस चीज को, जब श्रृंग किसके साथ में, श्रृंग के साथ में अध्यारोपित होता है, या फिर गर्त किसके साथ में, गर्त के साथ में अध्यारोपित होता है, इसे बोलते हैं समान कला। जब एक ऊपर जा रहा था तो दूसरा भी ऊपर ही जा रहा है, जब एक नीचे की ओर जा रहा था तब दूसरा भी नीचे की ओर ही जा रहा है, समान कला हुई ना, ये मैंने आपको समझाया था। तो जब समान कला में अध्यारोपण देखने को मिला उसे हम संपोषी व्यतिकरण बोलेंगे। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है बच्चों, और यहां पर मैं दोनों प्रकार समझा दूंगा, ठीक है। तो समझना, जब एक श्रृंग श्रृंग के साथ में और एक गर्त गर्त के साथ में क्या करता है, अध्यारोपण करता है, अर्थात तरंगों का अध्यारोपण समान कला में होता है, तो उसके फलस्वरूप कौन सा व्यतिकरण होता है बच्चों, संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण से हमेशा कौन सी फ्रिंज मिलती है, दीप्त फ्रिंज मिलती है। कैसी फ्रिंज मिलती है, दीप्त, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। कब, जब एक श्रृंग श्रृंग के साथ में या जब एक गर्त गर्त के साथ में। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के किसके साथ बच्चों, गर्त के साथ में, या एक तरंग का गर्त दूसरी तरंग के किसके साथ में, श्रृंग के साथ में, मतलब जब एक ऊपर की ओर जा रहा था तो दूसरा नीचे की ओर जा रहा हो, ठीक, ये कौन सी कला हो गई, विपरीत कला हो गई। तो जब वो विपरीत कला में अध्यारोपित होते हैं ना, तो विपरीत कला में अध्यारोपण के फलस्वरूप होता है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण। और इस विनाशी व्यतिकरण के कारण सिर्फ एक ही फ्रिंज बनती है, वो है कौन सी, काली फ्रिंज, जिसे हम अदीप्त फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है। अब ये चीज मैंने आपको समझा दी, इसे लिखना भी जरूरी है ना, लिखना जरूरी है, ठीक। तो पहले तो हम प्रैक्टिकल को वापस से मैं रिवाइज करवा रहा हूं कि क्या हुआ इस प्रैक्टिकल के अंदर, वो पढ़ लीजिए, उसके बाद में इन चीजों को लिखना भी चालू करेंगे। हाँ, थ्योरी का मोस्ट ऑफ द पार्ट आप ही लिखेंगे, मैं मेन पॉइंट लिखा दूंगा जो आपकी थ्योरी में होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया, यहां से इसको हटा ही देता हूं, तो डायग्राम एक बार के लिए, हाँ भाई, क्या क्या, तो ये 1800 के आसपास में किया गया प्रयोग है, वो देख लीजिएगा, बुक में लिखा हुआ है कब है, लेकिन वो सन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी समझते हैं अब इस चीज को। क्या किया गया इस प्रयोग के अंदर, या क्या देखा गया इस प्रयोग में, कि यंग ने सर्वप्रथम एक पर्दे में अत्यंत महीन एवं सुई के समान पतला छेद किया। यह छिद्र प्राथमिक या फिर प्रारंभिक या फिर मुख्य प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। यह क्या है, मुख्य प्रकाश स्रोत, और यह बिंदु प्रकाश स्रोत है, यह बात ध्यान में रखें, ठीक है। यह छिद्र मुख्य प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। इस पर्दे एल से कुछ दूरी पर एक अन्य पर्दा एम लिया गया, जिसमें पुनः दो छिद्र किए गए, या सुई के समान दो पतले छिद्र किए गए। ये दोनों छिद्र मूल प्रकाश स्रोत की रेखा के अनुदिश न होकर के एक ऊपर की ओर एवं एक नीचे की ओर किए जाते हैं। अनुदिश एक लाइन में नहीं है भाई, वो एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है। ये दोनों छिद्र कोहरेंट को बोलते हैं हम कला सबद, ये दोनों छिद्र कला सबद प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। मूल प्रकाश स्रोत से निर्गत प्रकाश जब S1 तथा S2 से बाहर की ओर निकलता है, प्रकाश स्रोत S1 और S2 से बाहर की ओर निकलता है, तो यह माध्यम में एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होता है। ये क्या हो रहा है, अब अध्यारोपित तो हो रहा है प्रकाश, है ना, ये प्रकाशिक तरंगे माध्यम में एक दूसरे के साथ में अध्यारोपित होती है, एवं अध्यारोपण के फलस्वरूप
पर्दे एम से कुछ दूरी पर रखे अन्य पर्दे एन पर एकांतर क्रम में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ये वाली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी यहां तक, ठीक है? वापस से बता रहा हूं क्या लिखना है आपको। यंग ने सर्वप्रथम एक पर्दा ए लिया जिसमें सुई के समान पतला छिद्र ऐसे किया। यह छिद्र मुख्य प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। इस पर्दे एल से कुछ या फिर अत्यल्प दूरी पर एक अन्य पर्दा एम लिया गया जिसमें दो छिद्र किए गए जो कि मूल प्रकाश स्रोत के संरेख नहीं थे। ये दोनों छिद्र कलासंबद्ध प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं तथा इनसे निर्गत प्रकाशिक तरंगें माध्यम में एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती हैं एवं उस अध्यारोपण के फलस्वरूप सम्मुख रखे अन्य पर्दे या तीसरे पर्दे एन पर एकांतर क्रम में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज की प्राप्ति होती है। इतना लिख दीजिएगा, ठीक है? अब मैं समझाता हूं कि आगे क्या हो रहा है या फिर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज कैसे प्राप्त हो रही है। तो अब मेन थ्योरी का भाग है, ये थ्योरी में इंक्लूड होना ही चाहिए। क्या लिखना है वो समझिए, ये पॉइंट इंक्लूड करेंगे सबसे पहले। यंग ने बताया दीप्त और अदीप्त फ्रिंज क्यों बन रही है वो समझा रहा है। तो ये बात ध्यान में रखना कि जब दीप्त फ्रिंज बन रही है तो दीप्त फ्रिंज हमेशा कौन से व्यतिकरण से होगी, संपोषी व्यतिकरण। ये कौन से संपोषी व्यतिकरण से, ये अदीप्त फ्रिंज विनाशी व्यतिकरण से, ठीक है? फिर वापस से संपोषी और फिर वापस से विनाशी, है ना? ये विनाशी व्यतिकरण, ये दीप्त क्यों बनी, संपोषी व्यतिकरण था। संपोषी व्यतिकरण में हमेशा चमकीली फ्रिंज ही बनेगी, दीप्त फ्रिंज ही बनेगी, और विनाशी व्यतिकरण में हमेशा अदीप्त फ्रिंज ही बनेगी। ये ध्यान में रखना, क्योंकि किरणें नष्ट कर देती हैं एक दूसरे को। एक संघ दूसरे गर्त के साथ में मिलेगा तो वो एक दूसरे को क्या करने को करेगी, नष्ट करेगी। नष्ट करेंगे मतलब विनाश हो रहा है। ऑलराइट, चलिए तो अब हम देखते हैं। तो हम बताया यंग के अनुसार, यंग के अनुसार जब एक प्रकाश स्रोत से निर्गत संघ दूसरे प्रकाश स्रोत से निर्गत संघ के साथ अथवा S1 से निर्गत गर्त S2 से निर्गत तरंग के गर्त के साथ क्या होता है, अध्यारोपित होता है, तब माध्यम में संपोषी व्यतिकरण के कारण, कौन से व्यतिकरण के कारण, देखो किससे, देखो गर्त जो है वो गर्त के साथ में और संघ जो है वो संघ के साथ में, तो फिर संपोषी व्यतिकरण ही होगा। तो तब माध्यम में संपोषी व्यतिकरण के कारण पर्दे पर, या पर्दा कौन सा लिया हमने, पर्दे एन पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी, है ना? दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है, ठीक है? ये ध्यान में रखना, ये हमें इंक्लूड ही करना है। दीप्त फ्रिंज क्यों बनी उसकी उन्होंने कारण बता दिया कि गर्त गर्त के साथ में और शंख शंख के साथ में बन रहा था, ठीक
ठीक। अब ये और ध्यान में रखें बच्चों कि ये जो गोले वाली लाइन मिलाई है ना मैंने, ये गोले वाली लाइन ऐसी सीधी रेखा में जो मिली, ठीक, इस गोले वाली लाइन को बच्चों प्रस्पंद रेखा बोलते हैं। इसे कौन सी रेखा बोलते हैं? प्रस्पंद रेखा। ये ध्यान रख सकते हो, वैसे लिखने की इतनी कोई आवश्यकता है नहीं, डायग्राम में इंक्लूड कर दीजिएगा। और जो काले रंग की जो बनाई है ना, जिसमें एक गर्त एक शंघ के साथ में मिल रहा है और विनाशी व्यतिकरण को बता रहा है, उसे बोलते हैं निष्पंद रेखा। कौन सी रेखा? निष्पंद रेखा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। और वैसे भी अगर आपको स्टेशनरी वेव्स को अप्रगामी तरंग जिन्हें हम बोलते हैं, अप्रगामी तरंगों में आपने प्रस्पंद और निष्पंद पढ़ रखा होगा, 11th के अंदर था ये, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखना, जब संपोषी व्यतिकरण हो रहा था तो प्रस्पंद वाला देखा जाएगा, और जब विनाशी व्यतिकरण हो रहा था तो निष्पंद वाला देखा जाएगा, ठीक है, हो गया ये डन। ऑलराइट, अब इसके बाद में हम विनाशी व्यतिकरण को बताएंगे कि विनाशी व्यतिकरण के फलस्वरूप क्या बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी, ठीक। तो फिर लिखना है कि जब S1 स्रोत से निर्गत तरंग का गर्त S2 स्रोत से निर्गत तरंग के शंघ के साथ, कला विपरीत हो गई ना अब, अथवा उल्टा कर दो, अब उल्टा कर दो है ना, अब S1 के लिए हम क्या लिखेंगे? शंघ बोलेंगे। अथवा S1 स्रोत से निर्गत तरंग का शंघ क्या बच्चों? S2 स्रोत से निर्गत तरंग के गर्त के साथ क्या होता है? अध्यारोपित होता है, सुपरइम्पोज होता है ना, अध्यारोपित होता है, तो माध्यम में, तो माध्यम में विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के फल स्वरूप पर्दे पर कौन सी फ्रिंज का अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो उसने दोनों का बताया कि दीप्त क्यों बनी और अदीप्त क्यों बनी, ठीक है। तो ये उतारो जल्दी से एक बार के लिए, उतार ही लोगे है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इस चीज को उतार लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी का जो इंक्लूड होना ही चाहिए। अब आगे और थ्योरी में हमें क्या लिखना है वो और मैं आपको बता देता हूं, ये डन है बच्चों, ओके चलो। और ये ध्यान में रखना, अगर वीडियो में कोई ऐड आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 या 3 ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है, जो वेबसाइट जो भी कुछ खुलता है वो एक बार खोल लीजिएगा और वापस से बैक आ जाइएगा, इतना काम कर दीजिएगा, इतना काम तो कर ही सकते हो ना बच्चों, ओके ये निर्माण हो गया भैया। अब देखो आगे अगला, उसने ये भी देखा कि ये फ्रिंजे जो है वो कौन से क्रम में बनती हैं, एकांतर क्रम में बनती है, तथा इसी के साथ में उसने इस चीज को भी पाया बच्चों, आदित्य ना, तथा इसी चीज के साथ में उसने ये भी पाया बच्चों कि ये जो फ्रिंज बन रही हैं इन सभी की चौड़ाई समान है, मतलब जितनी
अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है उतनी ही दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, इनकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं है, ये चौड़ाई क्या है समान है, ये बात भी ध्यान में रखना। ये खैर हम प्रूफ करेंगे कि चौड़ाई समान होती है, लेकिन थ्योरी में भी इस चीज को इंक्लूड करना जरूरी है। तो पहले तो पर्दे पर दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजे एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं तथा इन फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। ठीक है, ये फ्रिंज चौड़ाई जो है वो समान है। उसने ये भी पाया कि सभी दीप्त फ्रिंजों के लिए, ये जो दीप्त है ना, इन सभी दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता है, इनकी जो चमक है बच्चों, वो सभी की समान है, और अदीप्त फ्रिंजों का जो कालापन है वो भी सभी का क्या है समान है। मतलब आप कह सकते हैं कि समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है समान होती है, आप ये समझ सकते हैं। समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता चमक क्या होती है समान होती है। अगर एक वर्णी प्रकाश स्रोत है तो, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आगे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, अलग से ही एक क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि केंद्रीय फ्रिंज, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में या द्विछिद्र प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज सदैव दीप्त बनती है। क्या कारण है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज कैसी बनती है, दीप्त बनती है, हमेशा दीप्त बनती है, क्या कारण है ना। अब ये कैसे दिया जाता है, तो हालांकि इसका रीज़न मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में देने की कोशिश करता, लेकिन इस थ्योरी के साथ में उसको इंक्लूड करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ध्यान में रखना बच्चों कि ये S1 और S2 जो हैं इनके मध्य की दूरी कम है पहला, और ये जो पर्दे का जो केंद्र बिंदु है बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है वो इस S1 से और S2 से समान दूरी पर है। तो अगर मैं कहूं कि S1 से ये वाला जो बिंदु है इसे अगर मैं O बिंदु मानूं, तो S1 से O तक की दूरी और S2 से O तक की दूरी, ये दोनों दूरियां क्या है समान है। ठीक है, समान होने के कारण इन दोनों प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों का ओ बिंदु पर अगर पथांतर देखा जाता, पथांतर मतलब पथ में अंतर, एक के पथ में से दूसरे के पथ को घटा दो, तो लेट सपोज करो S1 से O तक जा रही है तरंग, तो उसका पथ की दूरी कितनी होगी S1 हो, ठीक है, और एक तरंग S2 से O तक जा रही है तो उसके पथ की दूरी क्या होगी S2 हो, ठीक, यही दूरियां होंगी, और इनका अंतर निकालूं तो एक में से दूसरे को घटाऊं। अब हमें तो पता है कि ये दूरियां समान हैं, दूरियां समान है तो घटाओगे तो कितना आएगा शून्य, जीरो, पथांतर कितना होता है शून्य होता है बच्चों, ये ध्यान में रखना। ठीक, कि केंद्रीय फ्रिंज सदैव दीप्त इसलिए बनती है क्योंकि S1 तथा S2 स्रोत से पर्दे का केंद्र बिंदु समान दूरी पर होने के कारण वहां होने वाला व्यतिकरण कैसे शून्य पथांतर के लिए होता है। अगर पथांतर शून्य है, डेल एक्स का मान है ना, डेल एक्स, पथांतर को डेल एक्स लिखते हैं, ये अगर शून्य है तो कालांतर डेल फाई या फिर फाई, कुछ किताबों में फाई लिखा हुआ होता है, कुछ में डेल फाई, आप फाई मान लो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक, वो कितना होगा, तो हम बोलते हैं टू पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू पथांतर, ऐसा लिखते हैं। ठीक, तो पथांतर का मान शून्य है तो यहाँ पे जीरो रखूंगा, तो फिर कालांतर भी कितना शून्य, ये बात ध्यान में रखना, जब कालांतर शून्य होता है तो पथांतर भी शून्य ही होगा। ठीक, ऐसी स्थिति संपोषी व्यतिकरण की होती है, संपोषी व्यतिकरण में कालांतर या तो शून्य होता है या फिर टू पाई का पूर्ण गुणज होता है या लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है,
ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। मतलब कालांतर या तो शून्य होगा या 2π होगा, 4π होगा, 6π होगा, 8π होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो शून्य फिक्स हो गया, यहाँ पे कालांतर सदैव शून्य रहेगा, पथांतर भी सदैव क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक, ये समपोषी व्यतिकरण की आवश्यक कंडीशन है, और समपोषी व्यतिकरण है इसलिए सदैव कैसी बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी। इसे आप ऐसा समझिए, समझना इस चीज को, कि वहां पे दीप्त फ्रिंज बन रही है, ये खुद बोल रहा है। दीप्त फ्रिंज क्यों बनती है, इसका कारण हमें पता है, समपोषी व्यतिकरण है। अब समपोषी व्यतिकरण ही क्यों हुआ, उसका कारण हमने क्या बताया, हमने बताया कि वहां पर पथांतर और कालांतर का मान कितना रहता है, शून्य रहता है। तरंगों के मध्य पथांतर एवं कालांतर का मान शून्य होता है, और अगर ये दोनों शून्य है तो इसका मतलब वहां पर समपोषी व्यतिकरण ही होगा। मैं वैसे ये प्रूफ भी करूंगा कि कलांतर शून्य है तो समपोषी ही होता है, लेकिन अभी आपको ये ध्यान में ही रखना है। ठीक है, चलिए तो मैं ये लिख देता हूं, ये एक सवाल बहुत अच्छा है, इसको किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है वो समझिएगा, मोस्ट है भाई। क्या के यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज सदैव दीप्त ही प्राप्त होती है, ठीक है, क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि S1 व S2 प्रकाश स्रोत पर्दे के केंद्र से समान दूरी पर होने के कारण वहां तरंगों के मध्य परिणामी कलांतर एवं पथांतर कितना होता है, शून्य होता है, फलस्वरूप संपोषी व्यतिकरण होता है। एवं दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है, फ्रिंज का निर्माण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें। चलो इस चीज को जल्दी से उतार लो, हालांकि वीडियो पॉज करने के लिए मैं कहूंगा, लेकिन इस बीच में मैं ये भी देख लेता हूं कि वीडियो क्लैरिटी तो ठीक आ रही है ना, कहीं ब्लर तो नहीं है वीडियो। चलो जल्दी से उतार लो। ओके, वीडियो तो ठीक चल रहा है। आहा, अरे ये बात थ्योरी वाइज तो ये थोड़ा 40 मिनट का बैठ रहा है ना। ओके चलिए, तो इस वीडियो को इतना ही रखें क्या, इतना ही रखते हैं, ये थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया ना, ये ध्यान में रखना। ओके तो आज के वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, इतना ही कंप्लीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा बच्चों, चिंता ना करें। हाँ तो ये ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लास्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो केंद्रीय दीप्त ही क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ये S1 और S2 जो है वो बिंदु से समान दूरी पर है, इसलिए पथांतर और कालांतर का मान शून्य है, अर्थात संपोषी व्यतिकरण है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और इस संपोषी व्यतिकरण के कारण हमेशा दीप्त फ्रिंज ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, यहां पर मेन चीज इतनी है कि पर्दे पर दीप्त क्यों बन रही है, संपोषी व्यतिकरण के कारण। पर्दे पर अदीप्त क्यों बन रही है, विनाशी व्यतिकरण के कारण। ये फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। फिर
सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, उनकी चमक क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये सभी किसने देखा, यंग ने अपने प्रयोग में देखा था। बच्चों हम आगे जाकर के एक डेरिवेशन ऐसा करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इन दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करेंगे और हम वहां प्रूव करेंगे कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। ठीक है, एक प्रूफ ये होगा। दूसरा, हम जब व्यतिकरण होता है, एक डेरिवेशन वो भी आएगा जिसमें हम व्यतिकरण का डेरिवेशन करेंगे जो 11th के डेरिवेशन जैसा ही होगा। ठीक है, आरबीएससी में वो डेरिवेशन में के एक्स लिखा हुआ है, सीबीएसई अर्थात एनसीईआरटी जो पूरा देश कॉपी कर रहा है ऑलमोस्ट, उस बुक में वो के एक्स वाला फैक्टर नहीं दे रखा है। मैं उस फैक्टर को कराऊंगा भी नहीं क्योंकि नेक्स्ट ईयर में तो वैसे भी एनसीईआरटी ही आने वाला है हर जगह और ईजी है वो डेरिवेशन। ठीक है, तो अपन वही डेरिवेशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जो है व्यतिकरण की गणितीय विवेचना। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देख लेना है। बच्चों नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट पढ़ करके मेरे को बहुत खुशी मिलती है। आपके सुझाव को मैं कोशिश करता हूँ कि इम्प्लीमेंट कर सकूँ और वो कोशिश लगातार करता रहूँगा। ठीक है, आप आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।